नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि दी है। यहाँ सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। दयालु और स्नेही लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। तो वहीं कई और अन्य नेताओं ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में लिखा, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन बहुत ही दुखद है। वहीं लता जी के निधन पर यूपी के सीएम ने ट्वीट किया, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। स्वर कोकिला के निधन पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया, लता जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं। उनके सुरीले गीतों ने दुनिया भर में बहुत लोगों को छुआ। सभी गीत और यादों के लिए धन्यवाद। मेरी परिवार और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। जबकि वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट करके स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। क्रिकेट जगत के लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी है ट्वीट करके, जहां वीरेंद्र सहवाग का भी ट्वीट सामने आया है। तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। विराट कोहली ने लिखा, लता जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं। उनके सुरीले गीतों ने दुनिया भर में बहुत लोगों को छुआ। सभी गीत और यादों के लिए धन्यवाद। मेरी परिवार और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। जबकि वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट करके स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। ऐसी आवाज को कोई कैसे भूल सकता है। लता जी भले ही इस दुनिया में अब नहीं रही, उनके निधन से स्तब्ध हूं। कुछ इस तरह अक्षय कुमार ने स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अक्षय कुमार नजर आए। वहीं स्वर कोकिला के निधन पर प्रियंका गांधी ने लिखा कि भारतीय संगीत की बगिया में सुरों को चुन चुन कर सजाने वाली सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उनके निधन से भारतीय कला जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल ने लता मंगेशकर के साथ ट्वीट कर लिखा, पूरी दुनिया शोक में डूबी है। विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमें छोड़कर चली गई। हम हमेशा आपको याद करेंगे लता जी। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। धर्मेंद्र ने भी ट्वीट कर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। काफी गहरा रिश्ता रहा है दोनों के बीच, ट्वीट कर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर एआर रहमान ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि प्यार सम्मान और दुआ। कम शब्दों में अपने दुख को व्यक्त करते नजर आए एआर रहमान। वहीं हेमा मालिनी ने भी ट्वीट कर लिखा, 6 फरवरी को काला दिन बताया और लता मंगेशकर के निधन को व्यक्तिगत क्षति कहा। हिंदी सिनेमा जगत के लिए आज सुबह एक बेहद दुख भरी खबर सामने आई, जहां सरस्वती पूजा के अगले ही दिन सरस्वती का स्वर थम गया और महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। जिनके निधन पर कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और हेमा मालिनी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने नम आंखों से स्वर्ण कोकिला को अलविदा कहा। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही, पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए
ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा, सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। इतने मधुर आवाज, इतने ऐसे एक कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान, सी ऑल आर माय वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। भारत रत्न श्रीमती लता मंगेशकर जी, लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वरवर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया, वो अब नहीं बरसेगा। लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्ति थी। उनकी संगीत साधना के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, इतनी स्वर सिद्ध गायिका होने के बाद भी, विश्वमान्य गायिका होने के बाद भी, किसी गीत को गाना है तो उसकी तैयारी और उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना, और कभी 13 साल की आयु में गाना शुरू किया तब करती होगी। लेकिन सभी क्षेत्रों में उनकी ये तपस्या है, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजीविका के यानी व्यावसायिक जीवन में, सर्वत्र उनका व्यवहार यानी शुचिता और तपस्या का, साधना का आदर्श उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण सबके लिए था। ऐसी सर्वार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था, अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा, एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए, और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई, मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरण में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना
हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने लता मंगेशकर का जन्म हिंदुस्तान में किया और हिंदुस्तानियों ने खूब सुना देखा। लता दीदी हमारे बीच नहीं रही, बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। स्वर कोकिला, भारत रत्न, करोड़ों की दीदी और बहुतों की माँ अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो कहीं गई नहीं है। जिस तरह से पेड़ पौधे, सूरज चांद, धूप छांव, गंगा जी, नदियाँ, समुद्र, ये हमेशा रहेंगे, ऐसे ही लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहेंगे और हम इन्हें सुनते रहेंगे और सब लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। बहुत दुखद खबर, स्वर कोकिला लता जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया, अपनी माँ को खो दिया। जो आवाज कहाँ से आएगी, भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था वो अब भर पाई, बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद खबर। अमित शाह हो, हेमा मालिनी हो, रवि किशन हो या राजू श्रीवास्तव हो, सभी ने बड़े बड़े कलाकार से लेकर राजनेता से लेकर खेल जगत के बड़े बड़े दिग्गजों ने आज नम आंखों से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और साथ ही परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। देश की पहचान थी लता मंगेशकर और उन्हें पूरे सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।